गंगा और वरुणा का संगम है। वरुणा इधर से आ रही है, गंगा उधर से आ रही है, यहीं पे मिल जाती है। और बनारस जो काशी जिसको कहा जाता है, तो मेन काशी यही है। यहीं पे राजा बनारस जिनके नाम पे बनारस, जो बनारस जगह का नाम है वो बनारस के नाम से पड़ा हुआ है। उनका किला भी वही है जहाँ पे अभी हम लोग देखे थे, इसी इलाके में। तो ये बहुत ही, और यहीं से पूरा ट्रांसपोर्टेशन जो था अलग अलग जो है जगहों से, जो कनेक्टिविटी था बनारस का, इसी जगह से था। और जो वरुणा पुल जो बना हुआ है, उसी वरुणा पुल से आप जो है इस पार उस पार जाया करते थे। तो ये फिर बाद में जो है राजा जो बनारस, जो कि जिनको माना जाता है कि नहीं, ये भर जाति से हैं। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं, पर बनारस जो भर, जो भारशियु जिनको मेन काशी प्रसाद जायसवाल ने जिसके बारे में लिखा है, भारशियु भर, तो बनारस राजा थे। फिर बाद में जो है बनारस के बाद जो है ये अभी जो बनारस जिसमें विभूति नारायण और तमाम सारे लोग आए, वो परिवार बाद में शुरू हुआ है। फिर बाद में इसको प्रिंसली स्टेट घोषित किया गया और कई सारी चीज़ें रही हैं, पर मेन बनारस को बसाने वाले भारशियु लोग रहे हैं, इनको भर अभी जानते हैं, भर के नाम से। अहो वंदे कर ले के तीरे हरि नाम की, अहो वंदे ऊंची खाली समित हर कर जो तो। अगर रात में आए, देखिए अगर सच देखा जाए तो ये हम लीगल तरीके से बोलते हैं, अधिवक्ता है उसके तहत बोलते हैं कि जब भी रात में सिविल वाले या पुलिस जाती है, दूसरे थाने से आती है या दूसरे जिले से आती है, तो जिस थाने के अंतर्गत जाती है तो थाने वाले को सूचित करती है कि हम जा रहे हैं अब फला फला अपराधी को अरेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, और आप भी एकाक लोग चलिए। तो उसमें से एसओ जो है एसआई को किसी को लगा देता है साथ में कि ठीक है जाइए। तो ये तो ये थाने से भी हमको लगता है कि अनुमति नहीं दी थी। ये भी कहा जा सकता है, शक के दायरे में भी है कि हो सकता है कि ये लोग जो उठा के ले जाकर एनकाउंटर करने का भी प्लानिंग हो। लोग माता जी हमें ये भैया इनको भी लेकर गए तो इनको भी अभी छूटे हैं, इनको भी बहुत ज्यादा मारे हैं, और घर में कोई नहीं है, उनको भी मारे इतना वो खुद ही नहीं चल पा रहे हैं। देखिए ये लैटरिन भी दरवाजा, मतलब सोच रहा था मैं इस समय पाए, मतलब लैटरिन का ये दरवाजा देखिए तोड़ दिए। देखिए ये ढकर के तोड़ दिए हैं, वो भी पीट रहे थे तोड़ने के लिए, वो तो माता जी खोल दिए तो वो भी तोड़ देते हैं। बुआ पेट में लेका था उसको ढकेल दिए, विकलांग थी एक गोड़ की, ले जा करके जो मार करके जो बंद कर दिए, जब छोड़ने लगे तो पहले तो हमारा धागा रख लिया, कौन सा धागा, हमारा एक माला रहा वो भी रख लिया, हमारा जो है कि गमछा रहा गमछा भी ले लिया, हमारे हाथ में एक जो है कि बाबा करने में पट्टा रहा वो भी नहीं दिया। कह रहा है कि साले तुम लोग ये पुल ले गए भाग जाओ यहाँ से, पुल वैसे छोड़ करके हमने साथ चले आए, एकदम खाली ऐसा ही है कि इस महिला के ऐसा बिना लुंगी गंजी पैसा गई दी ऐसा चल गया है। शाम को साहब जब ठंडा लगा था ऐसे हमने गुड़िया चल आए, शर्ट नहीं पहरे दे, शर्ट तक नहीं पहरे दे रहे सर पर हम गजदे रह, और लोग अंडरवियर पर लेके चल गए थे साहब। ऐसा है कि तिवारे वाले दिन के 11:10 पर हम लोग के ले गया है, और उसके बाद जो कि हमको छोड़ा है जो दिन ले गया वो दिन रात भर सारी बैठाया, उसके बाद दिन भर बैठाया, शाम को हमको छोड़ा है, नहीं पानी तक नहीं दिया तो पानी, समझ लो कि 11 रात का हम लोग पानी पिए थे, और फिर जो कि शाम को हम लोग को जब छोड़े थे तो हम लोग थाने के दक्षिण साइड जब हम लोग आए थे तो वहाँ चपाकल एक मिल गया है, वही चपाकल पर जा करके खाली 2 अजूरी साहब पानी हुआ हमने पी के, और बाद वहाँ से हमने सीधे घर पर चले आए। हमने कभी के निनाक दम घर में से घुस के निकाल के ले गए, हमारे घर में तोड़ फोड़ कर देना, पैसा कौड़ी जितना रकम रहे उठा भी ले गए, हमने के ढक देना मीठा पर गिर गए, हमें चोट लगा चंगा में काहे बदे सर कह लिए हम लोग। प्रैक्टिकल दृष्टि मैंने देखा है, बार गेट किया मैंने चीजों को कि कैसे की चीजें होती है, अपराधी संधाएं कहाँ जाती है, अगर आप पुलिस को आप देखो तो किस सेक्शन से आता है वो कांस्टेबल, ये तो वो किस समाज से आता है, वो किस समाज से आता है। ऐसे किसी आप विश्वविद्यालय में जाएंगे, किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे जो लड़के जो मारपीट करते हैं उनका सेक्शन किस समाज से वो आते हैं। मैं बहुत ज्यादा मेंशन नहीं करना चाहूंगा, जो मैं उनकी फैमिली का बैकग्राउंड ऑलमोस्ट वैसा ही होता है जैसे पुलिस वालों का होता है,
तो आ भी रहा था किसी तिवारी का नाम आ रहा था जिसने की बहुत बर्बरता पूर्वक परशुराम चतुर्वेदी तिवारी परशुराम तिवारी जैसे मिर्जापुर आजमगढ़ बनारस के लोग जो है पहले जाते थे वहाँ पश्चिम बंगाल में डकैती वगैरह करने के लिए। एक ट्रेन चली थी वो आपको बनारस होते हुए जाती थी असम गुवाहाटी तक, तो उस ट्रेन में पूरा ये विधिवत उस समय सरकार ने अलाउंस कर दिया था कि हर डकैतों से सावधान रहे और इनको जैसे नहीं कि क्रॉप हार्बर मतलब जो है फसल को पूरी तरीके से ख़त्म कर देने वाले कीड़े कहा गया था। जैसे कहीं अगर फसल किसी का लगा हुआ है तो उसको पूरी तरीके से एकदम अपना समझ कर ख़त्म कर देते। स्टेट ने जो है ना ये स्टेट को कभी मतलब उससे एक्सेप्ट नहीं कर पाए क्योंकि मतलब इनका मानना था कि नहीं हम हाँ राजा हैं पर हमारी चीज़ें हैं हम उसके मालिक हैं। वो बिहेवियर जो है मतलब न झुकना इनका जो व्यवहार था यही इनके लिए खतरा हो गया बाद में। एक शुरू में जब वहाँ रोक रहे थे सब महिला हैं हसुआ खुरपी लेकर के पानी भरा रहे थे, मेरा गेहूं था उसी में गेहूं बोए थे। वो कह रहा था कि गेहूं नहीं उसमें गेहूं नहीं होती थी। जज बोला यहाँ कि गेहूं नहीं है हमके गेहूं बोआ हुआ है। आगे फोटो खिंचा के लेके जाने में उनको लेट हुआ, तुरंत मेरा खारिज कर दिया। मेरा नाम जितन था घर पे, ये घर पे मेरा जितन नाम था इसीलिए घर पे गुदवाए थे। यहाँ मेरा राधा देवी पड़ गया है जितन देवी जी, हमारा वहाँ जितन देवी नाम था। मेरे पापा ने जीते थे 7.5 बीघा जमीन जिस दिन मैं पैदा हुई थी। शादी जब हो जाता हम लोगों में हर जाति में शादी हो जाता है, शादी के बाद गुदना गुदवाते हैं, नहीं गुदवाएंगे तो पानी बड़े लोग नहीं पीते हम लोगों के हाथ से। वो आते हैं जो नट होते हैं कहीं कहीं बसते हैं अपना झोपड़ी पड़ी लगा के, हाँ तो वो सब झोपड़ी लगा के अपना रहते हैं। जब सावन आता है तो सावन में घूम घूम घूमते हैं। जितना बुद्ध का मंदिर बना था वो भी सब हरण के जमीन जहाँ जहाँ बनी हुई है आप देखेंगे तो वहाँ सब राजघरों की। जैसे कौन जयपानी मंदिर, चाइना मंदिर, चाइना मंदिर भी पैसा जो बाहर से आते हैं विदेशी ले लेके अंदिल मंदिर सब राजघरों की जमीन में बनी हुई है। जयपानी मंदिर देख रहे हैं ना मेरे जयपानी मंदिर, जयपानी मंदिर जो मेरे बाप दादा के थे उसी में मेरे बाबा ने बगीचा अमृत का उसमें मेरे बाबा बाबा अमृत की बगीचा कटर उटर का बगीचा था। जो शेरवा मंदिर है पीछे शेरवा मंदिर वहाँ भी खजुरी में चल जा खजुरी में भी पहले ऐसा था ऐसा रहना की यहाँ आवे से देखा है जब वहाँ जब न लोग की नोट मोटा मोटा मिलने लगा तब राजभर सोचा लगना की बेच के पहले बड़ा हुआ और बेच के आज पछता था मजा लेना घर द्वार जो लायक रहते बना ले रहे और सब माछी मारत हुआ। अब क्या कर सुन सार नाथ की स्थिति पूछवा भैया ना देते में इतना खराब है कि हम अब तुसे का बताए। विदेशी जो आवत हुआ यहाँ का आदमी तो पियत रहना है, मेहरारू आदमी से परेशान रही है लेकिन अपने बच्चन से भी परेशान है। बच्चन से काय परेशान है इतना बुरी कहूँ अलन माला बेच लेलन एक माला 500 के हो गए। इतना बड़ा मूर्ति लिए ना 2,000-3,000 के भैया बेच देना हो गए। जब हम डलन गुरुपुर पहुँचे ना बगल में वो बगल लिए तो भी ठीक है, ये बगल लिए तो भी ठीक है, लाइन ऊपर डाका घर ठीक है, गुरुपुर डकना और मुझे वहाँ भी ठीक है ठीक है। वो अपन आवत में झूम बराबर झूम सरा भी जल ही में घर है सूरत निहारो बंदे मेघिया न तारे जेकर जल ही में घर है सूरत निहारो बंदे कहाँ तेरो घर है सूरत निहारो बंदे कहाँ तेरो घर है। कपड़ा धुलाई से कवन नरी तर गयो, कपड़ा धुलाई से कवन नरी तरी गयो, बकुलान तारे जेकर उजर पर। साथ ये हुआ था जैसे 100 साल के पहले से उसमें हमारे बाप दादा रोक रहे थे सिंघाड़ा का खेती धान का खेती सब कर रहे थे पहले। तो जमीन कितनी थी? जमीन सब 84 बीघा 84 बीघा उसमें बरेपुर गंज खजुई 3 गांव के राजभरों के, उसमें कोई बिरादरी दूसरा नहीं था। मारते ही ले गए, मारे भाई का हाथ तोड़ दिए हैं।
अब पता नहीं क्या हुआ, हाथ किसका किसका हाथ को टूटा है, कहाँ पता है हम लोग को, जब मिलने जुलने दे रहे हैं तो कहाँ पता है हमको। बोले परेशानी, तुम यहाँ पर खड़ी होकर क्या कर रहे हैं? हम कहे साहब हम अपने घर पे हैं, जिसका मरई है वो इसी का वो महल है, आप लोगों के लिए मरई जो खटारा लग रहा है ना, हम लोग के लिए तो महल वही है ना। साहब जी हमारे के लिए तो मरैया महल है, मरैया में हमने रह के दिन अपन बिताते। नदी के उस पार आपको घरों का पूरा बस्ती था जिसको भर टोलिया कहा जाता था, और इधर इस वाले इलाके में यहाँ पर पूरा कच्ची फांसी दी जाती थी अंग्रेजों का, पूरा इधर पीछे बेसमेंट था, यहाँ पे तोपची तोप खाना था इस पूरे पीछे वाले इलाके में। यहाँ पे वो जो मुक्कियाँ दिख रही हैं वो वहीं पे तोप का निकला नली निकला रहता था। ऐसा बहुत से ऐसे केसेस मिलेंगे जब भी कोई इस तरह के थाने के अंदर का डकैती हो, हत्या हो, छिनैती हो या अपहरण हो, तो पहले कुछ इस तरह के जो क्रिमिनल जातियां पहले से घोषित किया गया है उसी को टारगेट बनाते हैं, तुरंत उठाते हैं नजदीक में अगर नट है तो नट को उठाते हैं। बीएचयू में आपको कभी ऐसा फील हुआ शुरू से लेके 5 सालों में कि आपको आपके समुदाय के कारण कुछ अलग थलग किया गया? नहीं हुआ है, मतलब एक आउटवर्ड रिफ्लेक्शन नहीं किया है कभी, हर तरह से सतावन राजभरन के पुलिस वाले की हर लोग सताते, हर लोग सर जी सताता के नाम कोवर्टली क्या हो रहा है कुछ नहीं मतलब ठीक है नहीं वो जो है मतलब दो तरीका से इनका अपना मतलब जो व्यक्तिगत पूरी कम्युनिटी के लिए अलग क्या जान के भी अनजान बनते हैं आप कह सकते हैं इस चीज को, ये भी कह सकते हैं इस चीज को कि इस चीज को हवा नहीं देती, वो चीजें दिखती है, ये नहीं कहेंगे वो चीजें दिखती है, वो चीजें दिखती है कहीं ना कहीं, लेकिन जैसे कहते हैं कि कुछ चीज़ों को बाईपास भी किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, एक मित्रता के नाते मान सकते हैं कुछ चीज़ों को, तो ये तो कहीं वैसा ही नहीं है कि हम, लेकिन उस टाइप का नहीं जैसा जघन्य टाइप का मतलब जैसे इस गांव में हुआ है उस टाइप का मतलब नहीं। देखिए लोग कहते हैं ये तो है कि जब जिसके ऊपर पड़ जाता है वो लड़ना पड़ता है, वो तो हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक जैसा एक इंटेलेक्चुअल लेवल यहाँ पे है ना, कभी नहीं हुआ वैसे, हम नहीं बता रहे आपसे, वो जानते तो कुछ है क्योंकि राजभर समाज के जो कहते हैं कि राजा थे तो उनकी उस समय मजबूरी थी, वो लड़े अपना संघर्ष किए जैसे आज हम लड़े, मुझे मालूम है कि मैं इसका हूँ, लेकिन वैसा कोई बात हुई नहीं आज तक है, बात होती है लेकिन इस टाइप में कभी नहीं कि मतलब आपको बिल्कुल इस तरीके से देखा। आज हम भी पीछे भी नहीं हटे हैं, सरकार से भी लड़े अभी तक हम वही कर रहे हैं जो करना है, देते हैं हम भी रिएक्शन, हम भी बताते हैं चीजों के बारे में। देखिए आप लॉजिकल जब आप रहेंगे ना तो सामने वाले सोचेगा एक बार बात करने से आपके, कि हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं कि इसको लड़ाई को एक बार उठाया जाए अच्छे तरीके से लड़ा जाए, क्योंकि हवा में अब लड़ने से कोई फायदा नहीं है और मजबूत है, पहले तो पेपर इकट्ठा करें बयान लें। जैसे पहले क्या था मैं बताया ना कि सेंस ऑफ सॉलिडरिटी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, अगर आपके साथ घटना घटित हुआ है तो आप उसको किस रूप में ले रहे हैं, इंडिविजुअली आप सोच रहे हैं कि नहीं ये मेरा ही मेरे साथ ही घटना घटित हो गया है, तब तो आप उसके लिए उस तरह से मैकेनिज्म तरीके से लड़ नहीं पाएंगे, या फिर जिसके साथ हो रहा वही लड़ेगा। लेकिन जब ये पता हुआ कि नहीं आप जैसे जो तमाम सारे लोग हैं सबके साथ ऐसा हो रहा है, तो आपके अंदर वो भाव आएगा कि नहीं यार तो सबके साथ हो रहा है, चलो सब लोग मिलकर लड़ते हैं। तो अभी हमारा प्रॉब्लम यही था कि हम इस एंगल को कभी नहीं समझ पा रहे थे कि अच्छा ये घटना घटित हो रहा था पर हम ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमें किस आधार पर हो रहा था। आप लोग जानते हैं जो मुल्की राजभर का जो फर्जी एनकाउंटर किया गया था ये बहुत गहरी साजिश के तहत हुआ था। उसमें क्या था कि वो जो है 26 जनवरी का दिन था, सुबह 8 बजे 8:30 बजे सीमा यादव के वहाँ जो है कानपुर में वह जो है मुकेश राजभर सीमा यादव की एक बच्ची 2.5 साल की थी उसको लेकर वो गया था घर से थोड़ी दूर पे जो है वो सामान दिलाने के लिए झंडा हुआ मिठाई उठाई जो भी है इस तरह का वो लेकर 2 लोग गए थे उसके साथ, एक यादव थे और एक ये लड़का था।
तो दोनों लोग वहां पर गए। जैसे ही मार्केट से लेकर वो जो है वापस हुए थे, उस समय भी यही घटना था कि विदाउट नंबर गाड़ी ब्लैक कलर का और चार लोग थे। जैसे वो जो है तुड़ाक तड़ाक से उतरे गाड़ी से और उसको पकड़े, हाँ दोनों को पकड़ के बच्चे को सीधे छोड़ दिए। हर गांव में मतलब भरून का कोई ऐसा बस्ती नहीं होगा जिसमें अखाड़े नहीं रहे, अखाड़ा और लोग सुबह उठ के खूब दम रियाज मारते थे, मतलब मार्शल दम अपने आप शरीर को बनाते थे पूरा। यादव भर और यादव का बहुत बेहतरीन कम्बिनेशन था अखाड़ों पर, बोला भी जाता था कि नहीं भर का गोजी अहिर बर्दाश्त कर सकलन, अहिर का गोजी भर बर्दाश्त कर सकलन। गोजी बोले तो मतलब लठ अगर बजेगा। दोनों को पकड़ के उठा के लेकर चले गए, 8:30 बजे सुबह उठा रहे हैं। और उसी रात में जो है 11:30-12 बजे के बीच में आजमगढ़ में लिया के उठाए थे कानपुर, आजमगढ़ में लिया के एक जो है पेट्रोल पंप जो आजमगढ़ में था देहात में था, उस जो है लूट वारदात दिखाए थे कि पेट्रोल पंप पे लोग जो कि गए लूटे थे, उस दौरान मुठभेड़ के दौरान उनको मारा गया। तो दोनों एक दूसरे को संभाल सकते हैं, और अगर कोई दूसरे को अगर भर मार दे लठ तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अहिर भी किसी दूसरे को मार दे लठ तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये एक दूसरे के लठ को बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि दोनों में स्टेमिना होती है। ये दोनों मार गया ना जी, दोनों मार गया, दोनों के नहीं, उसमें यादव जो है 2-3 यादव थे ठीक है, उसको बचा लिया गया यादव को। सूरत निहारो बंद कहाँ तेरो घर है, कहली कबीर सुनो भाई साधो, कहली कबीर सुनो भाई साधो, जो नरी दयावंत वही नरी नरी है। सूरत निहारो बंद कहाँ तेरो घर है, सूरत निहारो बंदे कहाँ तेरो घर है, सूरत निहारो बंदे कहाँ तेरो घर है।